की मोदी सरकार को 30 मई को पूरे 9 साल हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। 30 मई से 30 जून तक प्रदेश भर में अभियान चलाई जाएगी, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें आएंगे। छत्तीसगढ़ जहां तैयारियों का जायजा लेने हैं ओम माथुर, नितिन नवीन प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति और मंडल की कार्य मंडल की बैठक जो है वो माथुर के द्वारा लिया जाएगा। तो बीजेपी के केंद्र की सरकार को 9 साल पूरे हो जाएंगे 30 मई को, जिसको लेकर के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। जो आपको बता दें 30 मई से 30 जून यानी एक महीने का पूरा कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन इसे लेकर के छत्तीसगढ़ आएंगे। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए ओम माथुर और नितिन नवीन जो हैं वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। तमाम जानकारी अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता जगजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगजीत, किस तरह की अपडेट मिल रही है? बीजेपी अपना 9 साल पूरा होने के जश्न मनाएगी, छत्तीसगढ़ में तैयारियां किस प्रकार से हैं? बिल्कुल, जश्न मनाएगी। देखिए, आगामी जो 30 मई का जो दिन आ रहा है वो 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो ये केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है उनके 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। और उस पूरे जो 9 वर्ष पूरा होने जा रहा है, पूरे देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और तमाम, देखिए, इन बातों को समझा जा सकता है कि 30 मई से 30 जून तक पूरे एक महीना तक प्रदेश भर में अभियान चलाई जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियों का जो जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। और इस दौरान देखिए प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति और मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। लगातार देखिए किस तरीके से एक माह का पूरा ये जो कार्यक्रम बनने जा रहा है, लोगों तक, जन जन तक कैसे जो जनकल्याणकारी जो योजना है वो जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों तक पहुंचाई जाए, इसकी कार्यवाही की जा रही है, प्रारंभ की जा रही है। लगातार देखिए केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरे कर रहा है, 9 वर्षों में उन्होंने क्या किया, जो आम जनता तक सीधा लाभ पहुंचा, तो सरकार, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं वो, उन योजनाओं का क्या, कुछ जो सफल योजनाएं हैं उनको लेकर के अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जनसंपर्क अभियान करने जा रहे हैं। 9 साल पूरे होने के बाद अब पूरा ये 9 साल में क्या कुछ किया गया है वो उस एक माह के भीतर, देखिए मैं बता दूं, 30 मई से 30 जून तक अब ये एक माह का जो ये पूरा शेड्यूल, ये पूरा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी बना रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचाने का, जनसंपर्क अभियान की जो शुरुआत की जा रही है उसका जायजा लेने जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं ओम माथुर, सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा। और जो तमाम, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के जो कार्य समिति के लोग हैं, तमाम वो जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिला कार्यकारिणी समिति के जो लोग हैं, जो जिले के जो बड़े पदाधिकारी हैं और जो मंडल के पदाधिकारी हैं, वो सभी इस पूरे बैठक में शामिल होंगे, वन टू वन चर्चा करेंगे ओम माथुर। और ओम माथुर बैठक के बाद जो रूपरेखा है, जो रणनीति है, जो एक महीने तक कार्यक्रम को किस प्रकार से चलाया जा सकेगा, लोगों तक अगर पहुंचते हैं हम तो किन बातों को उन तक प्रचार प्रसार किया जाएगा, देखिए जो पूरा जनसंपर्क अभियान है इसकी शुरुआत होने जा रही है और ये काफी अहम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए छत्तीसगढ़ में आम चुनाव होने हैं और काफी कम समय रह गया है, 4 से 5 महीने का समय रह गया और नवंबर दिसंबर तक ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनती है। तो उससे पहले एक ये जो लोगों तक पहुंचने की बात आ रही है, इस अभियान के तहत एक जुड़ाव की जो बात आ रही है वो काफी अहम माना जा रहा है। जी सीमा, बिल्कुल जगजीत। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी तैयारी करती है, हालांकि अपने 9 वर्ष को लेकर के नजर आ रही है, कांग्रेस की बात कर ली जाए तो हालांकि कांग्रेस भी अब इस बीच रणनीतियां बना रही होंगी कि किस प्रकार से 9 साल के कामकाज को कांग्रेस दिखा सके, उन पर सवाल खड़े कर सके। तो ऐसे में कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है प्रदेश में?
जी जाहिर से बात है, देखिए कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस जब विपक्ष में है तो वो इसकी भी तैयारी कर रही होगी कि 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नाकामियां है, ये उनकी खोजबीन करके वो भी जनता के पास जाएगी। और जाहिर सी बात है, देखिए पक्ष और विपक्ष चुनावी ये सत्र चल चुनावी वर्ष चल रहा है तो लगातार इस तरीके की जो प्रयास है वो कांग्रेस भी करेगी ताकि नाकामियां लोगों तक पहुंचे, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़े। जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है उत्साह उनका बढ़ा हुआ है और लगातार कांग्रेस में भी देखिए जो बैठक का दौर है वो जारी है और 9 वर्षों के कार्यकाल को कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश करेगी। जी सिर्फ चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा जगजीत, और विषय पर आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच